अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ऑसम। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमने हमजा फरीद साहब से पूछने हैं कि उन्होंने शादी को मतलब कितना एंजॉय किया, इनके जज्बात देखने हैं, जानने हैं कि ये आखिर कहते क्या हैं, क्योंकि हमें कल पता चल गया था कि ये भाई बड़े परेशान हो चुके थे जब हमने इन्हें ग्रुप में पिक्चर्स भेजी हैं। उसके बाद इनके अभी मैं मतलब सिर्फ चाहता था कि इनके फेस एक्सप्रेशन देखना चाहता था, क्योंकि मैसेज पे जो मतलब ये भेज रहे थे उससे मुझे फील हो रहा था। वैसे तो मैसेज में फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन मुझे फील हो रहा था कि भाई को मतलब दिल पे तस्वीरें और वीडियोस दिल पे लग रही हैं। तो आखिर मैं इनके ना अभी फेस एक्सप्रेशन सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि आखिर भाई क्या कहेंगे, क्या कैसे मतलब तासुर क्या होंगे इनके। हाँ भाई, कुछ कहना चाहेंगे? यार तुम लोगों ने भी ठीक नहीं किया यार। क्या मतलब नहीं ठीक किया? गाइस इन्होंने जो मुझे बताया ना कि ग्रुप डैम जाना है। अच्छा आप मुझे बताओ, एक मिनट रुक जाओ भाई, इधर रुक जाओ, आप मुझे बताओ, मैंने आपको किसी मैसेज किसी जगह पे कहा कि मैं ग्रुप डैम पे जा रहा हूँ? ठीक है, वो बात ठीक है, ऐसे नहीं बताया था, लेकिन मेरे जहन में वही था कि ग्रुप डैम में जाने, लेकिन एक चले गए किसी और जगह पे और वो जगह फिर भाई जो भी, अभी मैंने इसे नहीं कहा, किसी दोस्त ने इसे ये नहीं बताया था अभी हम उस जगह पे जा रहे हैं, ये तो आपकी गलती है, आपने ऐसा क्यों सोचा? आप पूछते, मैंने इसे मैसेज किया एंड पे, मतलब एट द लास्ट मोमेंट हमने मतलब मेरा दिल था यार ये साथ है क्योंकि जरा मजा आता है और कब से हम एक साथ चल रहे हैं तो मजा आएगा ज्यादा, लेकिन ये भाई ने मैंने इसे मैसेज किया, मैंने कहा भाई तुम बताओ आना है या नहीं आना, तो ये कहते हैं नहीं, मतलब मैंने इसे फिर बता दिया कि हम डैम पे जा रहे हैं, मैंने इतना कहा, इसने आगे से कोई सवाल जवाब नहीं किया, इसने ओके कर दिया। अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ऐसी बात है वो बात ठीक है, लेकिन यार मुझे क्या पता तुम लोग वहाँ जाओगे यार, बस यही तो था ना, तुम पूछ लेते, ये और जगह चले गए, पूछना तो चाहिए था ना, ये तो मानो ना तुम्हें पूछना चाहिए था। वैसे ही तुम बताओ ना शादी पे क्या किया, क्या तुमने दोस्तों को छोड़ दिया यार? ऐसे तो नहीं होता है, शादी पे क्या करना है, कुर्सी उठाई है जगह जगह रखी है बस, और क्या करना मजदूरी की है। हाँ मजदूरी की है, पैसे कजन की शादी थी ना, कजन की शादी तो चलता है फिर, ये तो नहीं कोई पैसे वैसे भी उठाए, कोई नहीं उठाया, ढोल शोल था नहीं था, लेकिन यार छोटे बच्चे पहले आगे आ गए थे तो उन्हें जगह ही नहीं थी ना, मुझे उठाने दिया उन्होंने, तुम्हें मौका नहीं मिला, मुझे मौका नहीं मिला, दिल था वैसे उठाने का, गजब बेइज्जती है, को किसका नहीं होता, दिल था भाई को उठाने का, लेकिन बस क्या कर सकते हैं, लेकिन वैसे तस्वीरें देख के कुछ हुआ दिल में, क्या आया था यार मतलब कोई फीलिंग बताओ अपनी, स्पीचलेस नहीं फिर भी यार कोई एक दो वर्ड बोल दो, गरीबों की ईद हो जाएगी दुख कितना दुख कितना दुख, और करीब से बताओ, इतना सा दुख झूठ बोल रहा है। चलो जी ये दुख भी खत्म कर देंगे, अब भाई को लेके जाना है वहाँ पे, लेकिन थोड़े दिनों में, अभी एकदम से लेके गए ना तो ये कहेगा चलो ठीक है मुझे फिर ले जाएंगे, यही कहने वाला था, इसलिए इसे लेके जरूर जाएंगे, ये नहीं बात भी नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़े दिनों तक, ऐसे नहीं कि अभी ये कहे कल ही जाना है तो कल जाएंगे, कल नहीं जाना, थोड़े दिनों तक जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, एक मिनट बताता हूँ मैं। ये देखें ब्रान 5 रुपए की पापड़ की जगह ये आज 50 वाला लेस खा रहे हैं। वैसे मैंने खाना कोई नहीं था, मैं पापड़ ही खाता वहाँ पे, जब जिस बंदे से हम चीज़ें लेते हैं ना उसके पास गए हैं तो वो कहता है भाई आज खत्म हो चुके हैं तो एक दो दिन में आ जाएंगे, मजबूरन फिर ये खाना पड़ा, वही मजबूरी थी इसकी, लेकिन फिर भी 50 रुपए भैया, उस पर भी 30 रुपए लग जाते हैं, बल्कि 40 लग जाते हैं हमारे, हमने मतलब 8 पापड़ दिए थे, 6 लिए थे, ठीक है 30 लग जाते हैं, 20 फिर भी बचत है, जरूर बचत है। मुझे ना बड़ा मजा आ रहा है, हम तो भाई प्लीज एक दफा बता दो यार, एक दफा बता दो फीलिंग कैसी थी, अपने ऊपर गिरवानी तो नहीं है ऐसे? नहीं यार मैंने गिरवानी नहीं है, लेकिन मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपकी फीलिंग, मुझे होता ही है यार सबको होता है, मेरे साथ मैं कोई अलग तो नहीं हूँ यार, मेरे साथ भी तो ना इंसाफी हुई ना फिर, नहीं कोई ना इंसाफी हुई, अभी आप पहले भी मान जो, हमजा भाई एक दफा और बताओ ना कैसी फीलिंग थी। सॉरी हमजा भाई यार बताओ ना कैसी फीलिंग थी। अच्छा सॉरी ना भाई जान, सॉरी अब नहीं होगा, सीरियसली नहीं करूंगा, ओ भाई सच्ची, ओ यार अच्छा ठीक है नहीं करूंगा यार, नहीं करूंगा नहीं करूंगा। तो हमजा भाई क्या हाल है,
था भाई। बस कर दो। तो गाइस मोबाइल उसका तो मैं उठा के ले आऊं, खुद देखो कैसे खा पी रहे। जब मेरी खाने की बारी आती है ना तो हमजा भाई क्या हाल है, ठीक हो बल्लो। अब ये तो बात गलत है ना यार मेरे साथ, क्योंकि अब बंदा एक मजबूरी थी मेरी। तो क्या नाचो भाई? कि मुझसे बोला भी नहीं जा रहा कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। लेकिन मेरी भी मजबूरी थी, जाना पड़ गया, गलती होगी यार, इनके साथ ही चले जाना था मुझे। अच्छा हमजा भाई इधर आओ, मुझे बताओ आइंदा ऐसे करोगे हमारे साथ? यार मजबूरी थी ना मेरी भी। मजबूरी तुम्हें आप पता है भाई, जितना मैं तुम्हें आज तंग किया है ना, मुझे नहीं लगता इसके बाद तुम वैसे भी किसी शादी में जाओ। ये बात है, तो दोस्तों के साथ ऐसे कभी नहीं करना। तो गाइस अगर आपके भी ऐसे कोई दोस्त हैं जो आपको लास्ट मोमेंट पे, लास्ट डे आपको ये कहे कि मतलब मेरे कज़न की शादी है, मजबूरी है, मुश्किल है, नहीं आ सकता, अगर कोई आपके ऐसे दोस्त हैं कमेंट बॉक्स में बताइए। आज का व्लॉग इतना ही था, तो चलते हैं, मिलेंगे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।